पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे मेरे को 5-6 लोगों का मैसेज आया कि सर नर्सिंग पे वीडियो बनाइए, और नर्सिंग कौन से लोग कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मैंने एक जीएनएम पे वीडियो बनाया, वो ऑलरेडी वो ट्रेंड में चलता है और काफ़ी अच्छे खासे रिस्पॉन्स हैं उस पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है नर्सिंग पे बनाते हैं। अब देखो नर्सिंग डिफरेंट टाइप की होती है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम करेडा चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात हम करते हैं नर्सिंग जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स जो होता है वो 3 साल का, 3.5 साल का कोर्स, ओवरऑल 4 साल पढ़ी जाता है। डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम जो लोग करना चाहते हैं। जीएनएम नर्सिंग का कोर्स होता है, जीएनएम करने के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12th होना चाहिए, और 12th आप बायोलॉजी से हैं तो आप एंट्रेंस दे करके भी एडमिशन ले सकते हैं, और कुछ जगहों पे कुछ नर्सिंग होम में डायरेक्ट एडमिशन चलता है। बहुत सारे नर्सिंग होम हैं जहाँ पे जीएनएम का कोर्स करवाया जाता है, किसी इंस्टीट्यूट या किसी संस्था से एफिलिएटेड होते हैं वो लोग और जीएनएम का कोर्स करवाते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जीएनएम के कोर्स में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है संस्था है फ्रॉड पना भी कर जाते हैं, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और जब आपको ध्यान में रखोगे ये सारी चीज़ें तो शायद आपका माइंडसेट उसी लेवल पे काम करेगा, और अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे शायद आपका माइंडसेट उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। और जीएनएम देखो करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला मैं बात करूँ, अगर आपने जीएनएम कर लिया है, जीएनएम करने में ज़्यादा खर्चे नहीं आते हैं। अगर मान लो मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपये का खर्चा, 1.5 से 2 लाख रुपये अगर आपके पास बजट है तो आप कर सकते हो ऑब्वियसली। और उसके बेनिफिट ये है कि जीएनएम करने के बाद आप प्राइवेट संस्था में भी जॉब ले सकते हो, सरकारी संस्था में भी जॉब ले सकते हो। जीएनएम की डिमांड कब बढ़ी? देखो नर्सिंग की डिमांड ऑब्वियसली जब से कोरोना हुआ ना, मेडिकल फील्ड की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई कि शायद आप समझ नहीं पाओगे कितनी डिमांड बढ़ गई। लेकिन हाँ वही लोग करने आए जो इंटरेस्टेड हों। जो नर्सिंग का कोर्स है ना काफ़ी मतलब जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले ये बता दूं, देखो आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, मेडिकल में किसी भी हॉस्पिटल में आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये है कि जो जॉब होती है गवर्नमेंट संस्था में भी आप जा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो सरकारी संस्थाएं होती हैं मेडिकल की आपके अगल बगल जो भी होती हैं आप देखते हो वहाँ सिस्टर्स होती हैं तो वो भी जॉब कर सकते हैं। और उसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो नाइट शिफ्ट की जॉब लगती है कोई फिक्स नहीं होता, आपको नाइट शिफ्ट में भी करना पड़ सकता है कंटिन्यू। तो इट्स अप टू यू, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ ये ड्रॉबैक है नर्सिंग कोर्स का। और एक चीज़ ये करना चाहता हूँ, देखो अगर आप नर्सिंग कोर्स करते हो तो सैलरी भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि सैलरी बैड है। 25 से 30 हज़ार रुपये गवर्नमेंट में है, प्राइवेट इंडस्ट्री में 15 से 20 हज़ार रुपये आपको मिल जाएगा एटलीस्ट। और जीएनएम के बाद बहुत सारे लोग एएनएम करते हैं, और एएनएम करने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हो, जीएनएम के कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग करते हैं, बीएससी नर्सिंग बहुत सारे लोग एमएससी नर्सिंग करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप नर्सिंग के कौन से ब्रांच में या कौन से सेगमेंट में इंटरेस्टेड हो। जिस सेगमेंट में इंटरेस्टेड हो उस सेगमेंट को आप कर सकते हो। मेडिकल का फील्ड है, स्कोप अच्छा खासा है। कोरोना के बाद मैं बार बार ये रिपीट करूंगा कि कोरोना के बाद मेडिकल फील्ड में काफ़ी स्कोप बढ़ गया, काफ़ी जॉब आ गई हैं। अब मैं बता दूं कि इतने लोगों को परमानेंट किया गया कोरोना के बाद, शायद वो कोरोना वॉरियर थे जिन्होंने अपने जान पे खेल करके लोगों की जान बचाई है, तो ठीक है वो डिजर्व भी करते थे इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में करियर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल इसमें आ सकती हैं, मेल भी आ सकते हैं, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही बनेंगी, लेकिन वो माइंडसेट लोगों ने बना दिया है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल इसमें आएंगी। मेल में भी जिनको नर्सिंग करना होता वो नर्सिंग का कोर्स करते हैं और ऑब्वियसली जॉब लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मैं डॉक्टर ही बनूंगा, नहीं तो नर्स वर्स जैसी चीज़ें हम नहीं करूंगा, नर्सिंग जैसी चीज़ें मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो। और करियर अपॉर्चुनिटी मल्टीपल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह जॉब है, मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप करते हो, सही से करते हो तो करियर बहुत दूर तक जाएगा, सही से नहीं करते हो तो शायद जैसे लोग घूम रहे हैं वैसे आप भी घूमोगे। तो मेरा काम था आप लोगों को बताना, और इसमें जीएनएम है, एएनएम है, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जो भी में आप इंटरेस्टेड हो कर सकते हो। भारत की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो एम्स हो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये कोर्स कराए जाते हैं, वहाँ
यहाँ से आप कर सकते हो तो शायद आपका फ्यूचर एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। तो बस वीडियो में इतना ही, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए, जो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और कॉमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम पर भी जाके ज्वाइन करिए। थैंक यू।